डियर लर्नर्स, आज आपका इस स्टूडियो में पुनः स्वागत है। देखिए, आज हम उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन का ईवाईएम मान जीजी थॉमसन द्वारा किस प्रकार निर्धारित किया गया, तो इस टॉपिक को लेकर के हम आज उपस्थित हैं। ये हमारी कैथोड ट्यूब है जिसका इस तरह से उन्होंने शेप आकार दिया था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देखिए, यहां पर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक दूसरे के 90 अंश पर है, माने परपेंडिकुलर है। दूसरा, ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। जब इस पर 10,000 से अधिक वोल्टेज अप्लाई होता है तो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है और यहां एनोड के द्वारा ये एक्सीलरेट हो जाती है, इनका वेग बढ़ जाता है। ये एक सिलेंडर लगी हुई है, ये इसमें एक छोटा छिद्र होता है जिससे कि हमारी ये इलेक्ट्रॉन बीम सारी ट्यूब में न जाकर के इस छोटे छिद्र के द्वारा निकलती है। देखिए, एक बात यहां और मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ चलता है, नॉर्थ टू साउथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलता है वो एनोड टू कैथोड चलता है, एनोड एनोड टू कैथोड कैथोड, ठीक है। ये हमारे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। अब देखिए, जब हमने कोई फील्ड अप्लाई इस पर नहीं किया है तो उस समय पर ये कैथोड किरण निकल करके यहां ये जेडन लिपित पर्दा है, फ्लोरोसेंट पर्दा है, इस पर्दा पर यहां गिरेगी तो एक चमक पैदा होगी, तो यहां कोई विक्षेप इस इलेक्ट्रॉन बीम में नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम यहां मैग्नेटिक फील्ड लागू करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लागू करने पर इनमें विक्षेपण पैदा हो जाता है और तब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इसका फील्ड होता है, इसलिए ये किधर को जाएंगे, ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो जाती हैं और ये चमक यहां पैदा हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्योंकि ये कैथोड है तो इस पर भी ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और इस ऋणात्मक आवेश की वजह से ये इसको रिपेयर करेगी इलेक्ट्रॉन बीम को, और जैसे जैसे हम फील्ड बढ़ाते चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बीम फिर पुनः उसी स्थिति में आ जाती है, ये बीम पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। तो हमको यहां ये मालूम हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अब संतुलित स्थिति में है, तो एक तो ये स्थिति पैदा होती है और दूसरी बात यह है कि ये कितनी बड़ी प्लेटें हमने ली हैं, इसमें कितना विक्षेप आया है, ये सभी हमारे गणना के कारण होते हैं। तो किस तरह से हम गणना करते हैं ये आप यहां देख सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का संतुलन जब हुआ तो
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए संतुलन जो होता है ना, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लागू कर देते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और वो फील्ड लगा हुआ है, तो ये ई ई हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ हमारा, मैग्नेटिक फील्ड हुआ ई वी एम, माने ए वी उसकी गति है, एम द्रव्यमान है, और ये उस पर आवेश है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब क्योंकि हमने इसको संतुलित कर दिया है, माने कि उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है जितना कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड से विक्षेप पैदा हुआ था, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ई ई इक्वल टू ई बी, या ई इक्वल टू वी बी, या वी इक्वल टू ई अपॉन बी, ये हमारा एक संबंध बन जाता है। अब देखिए दूसरी प्रकार की इसमें जो मोशन होती है वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लागू किया है, ये मान लीजिए हमारी प्लेटें हैं दो, तो यहां से यहां तक ये एक्स दूरी है, मान लो प्लेटों की जो लंबाई है वो एक्स, और ये जो बीम गई है, मान लो जब अप्लाई नहीं है तब तो ये सीधी निकल जाती है इस तरह से, लेकिन जब क्षेत्र अप्लाई कर दिया गया है इस पर, ये मान लीजिए हमारा नेगेटिव पोल है और ये हमारा पॉजिटिव पोल है, तो ये इस तरह से इसमें विक्षेप पैदा हुआ, इस तरह से ये विक्षेप पैदा हुआ। अब कितना विक्षेप हुआ, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हमारी y, ये दूरी कितनी हुई y, ठीक है। अब इस आधार पर हम देखते हैं, तो पहले कि ax इक्वल टू वी टी, ये कहां से आया हमारा, ये आपने पढ़ा होगा कि वेग बराबर दूरी बटे समय, आप समझते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय। अब यहां वेग v है, v और इक्वल टू दूरी हमारी क्या है, x है, ये x दूरी है, इसमें मान लीजिए t समय लगा है, तो ये एक संबंध बन जाता है, और यहां से हम x निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू हुआ v t, सो ये वैल्यू हमने यहां ले ली है x इक्वल टू वी टी, और यहां से हमने t कैलकुलेट किया है t इक्वल टू x अपॉन v, तो इससे हमें ये बात मालूम होगी। दूसरी चीज ये गति के तीन नियम होते हैं, उसमें एक नियम है हमारा दूसरा नियम, दूसरे नियम के अनुसार जो हमारा समीकरण है s इक्वल टू, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा गति का समीकरण, पहला गति का समीकरण, सॉरी दूसरा गति का समीकरण। अब देखिए यहां पर एक चीज आप देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू हो रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग तो शून्य ही है, कोई विक्षेप नहीं है, यहां जब जा रहा है तो यहां तो कोई विक्षेप नहीं है, क्योंकि ये विक्षेपण दूरी है यहां पर, ये हमको कैलकुलेट करनी है, तो अब यहां पर प्रारंभ में तो ये कोई विक्षेप है ही नहीं, त्वरण है ही नहीं, तो उस समय पर ये यू हमारा शून्य होगा, और तब केवल हमारा एस बराबर एक बटे दो ए टी स्क्वायर हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि यहां हमने लिखा है वाई इक्वल टू, ये वाई कितना ऊपर हो गया, ऊपर की तरफ लगने वाला त्वरण, वाई क्या है, ए ऊपर
ऊपर की ओर लगने वाला त्वरण। ठीक है, अब ये कितना लगेगा, ये ऊपर की तरफ जो त्वरण है वो कितना लगेगा, वो हमारा यहां संतुलित होगा कि यहां इसमें ई आवेश है और एम इसका द्रव्यमान है, ए मान लीजिए उसका त्वरण है और ई इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। ठीक है, तो संवेग कितना हुआ, संवेग हुआ ए इंटू एम और ये किस से संतुलित होगा, ये संतुलित होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये इक्वल टू हुआ हमारा ई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एम ये फील्ड, इससे ये संतुलन बना। ठीक है, अब यहां से हम ए कैलकुलेट कर लेते हैं, सो ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम। ठीक है, तो वाई इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्रारंभिक जीरो विक्षेप और यहां पर वाई इक्वल टू हाफ, अब यहां ए का मान हमने ये यहां से कैलकुलेट करके किया क्योंकि संवेग ए इंटू एम हुआ उस इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई जिस पे आवेश है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया ये, तो ये मान हमने यहां पर रख दिया। अब आप देखते हैं कि वाई इक्वल टू हाफ ई वाई एम ई एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर या ई वाई एम वाई टू वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमने ये समझ में आ रहा होगा आपका मान कि ई वाई एम को इधर ले लिया और ये आ गया, ये हमारा मान हो गया। अब इसमें हमने जो टी की वैल्यू है वो यही पुट कर दी है, यहां से टी की वैल्यू यहां से पुट कर दी है। ठीक है, और वी की वैल्यू हमने यहां से पुट की है। इन सभी वैल्यूओं को यहां रखने के बाद ये हमारा ई वाई एम कैलकुलेट हो जाता है जिसमें 2yE(x²)b²। अब देखिए b क्या है, b यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारा यहां ये लागू है चुंबकीय क्षेत्र, x ये दूरी है कि प्लेट कितनी बड़ी लगाई है हमने और y इसका विक्षेप है जो हमको ज्ञात है, e इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है कितना लागू किया है। तो जब इन सब वैल्यूओं को हम रख लेते हैं तो इसके लिए ये जो वैल्यू निकल के आती है जे जे थॉमसन द्वारा वो -1.76 × 10⁻¹⁻ कूलाम प्रति किलोग्राम कैलकुलेट हो गया आया है। तो ये हमारा जे जे थॉमसन द्वारा किया गया प्रयोग होगा, प्रयोग था, मैं आप समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और कभी देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइम मोशन क्या होती है ये फिर आगे की चर्चा का विषय होगा, लेकिन फिलहाल यदि आपने पढ़ रखी है या फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट टाइम मोशन क्या है तो ये भी आपकी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र कैसे बनते हैं, क्या इनकी तीव्रता होती है, तो ये सभी चीज़ें आप फिजिक्स में खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपके प्रयोग समझ में आ गया होगा और ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इसका मान इतना होता है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो इसी पर आधारित है, हमने वहां ये कहा था कि क्योंकि ई वाई एम मान परिवर्तित नहीं होता है, चाहे कोई गैस बदल दे चाहे हमारे कैथोड एनोड की धातु बदल दे उसके बाद भी ये ई वाई एम मान बदलता नहीं है। अब ई वाई एम मान नहीं बदलता है तो उसके आधार पर ही हमने कहा था कि ये किसी भी तत्व के मूल कण होने चाहिए और इसी के आधार पर क्योंकि मिल्कन ने अपना प्रयोग दिया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका चार्ज निर्धारित हो गया था और उस चार्ज का भाग देने पर जब ई वाई एम में हम भाग देते हैं जैसे ये है हमारा ई वाई एम और इसमें हम जो मुल्कन ने आवेश प्राप्त किया था उसका भाग दे देते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और इस तरह से एम हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरह से हम
द्रव्यमान की इसकी गणना कर सकते हैं, किए तो इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा जी थॉमसन का प्रयोग। तो मेरी समझ में आता है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगली वीडियो तक आपका धन्यवाद।